वसाइम सुन, तूने कभी बताया नहीं तेरी गर्लफ्रेंड भी है? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बेटा मुझसे झूठ बोलेगा क्या? दोस्त है शहीर। तो फिर मेरी सेटिंग करा दे। वैसे भी बड़ा ना दवाई दिलाया हुआ है उस पे। वो ऐसी लड़की नहीं है। अरे तो मैं कौन सा वैसा लड़का हूँ? करवा देना यार। और वैसे भी यार टाइम पास हो जाएगा मेरा, समझ रहे ना? और तेरा क्या जाता है? बस कर दे, वो टाइम पास वाली नहीं है। अरे रहने दे, अभी दोस्ती की ऑफर कराऊं ना तो तैयार हो जाए। एक और घटिया लसनी सुबह के बारे में कह दूं तो तू क्या करेगा? और वैसे भी ऐसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, जो झूठ बोलकर घर से पार्टीज के लिए निकल कर आती है। ऐसी लड़की लेकर जाओ इस पागल को। टाइम क्या जरूरत थी लड़ाई करने की? इतना मजा आ रहा था, वी वर ऑल हैविंग सो मच फन, और तुमने लड़ाई कर दी। तुम्हें घर वालों से झूठ बोलकर मेरे साथ आने की क्या जरूरत थी? आए बहु पीनों के बाद किसी पे भी तुम्हारा इंप्रेशन कोई अच्छा नहीं गया। साइम मैंने डिलीबरेटली कुछ नहीं किया। अगर तुम मेरे साथ आ भी गई थी तो सबके सामने अनाउंस करने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। एम ने बकवास ना। हां रुशना। हां जुबी, फ्री हो गई पार्टी से? हां ठीक है, दानियाल तुम्हें लेने आ रहे हैं फिर। दानियाल भाई? नहीं नहीं, मैं सरेश के घर से निकल आई हूं। क्या मतलब? तुम सरेश के साथ नहीं हो? नहीं नहीं, मैं सरेश के घर से निकल आई हूं। उसके ड्राइवर मुझे ड्रॉप कर रहे हैं। अच्छा। हाँ ये जरा ड्राइवर से मेरी बात करवाना। क्या हुआ? ड्राइवर तो तुमने बना ही लिए, बात भी करवा देती। साइम जल्दी करो प्लीज। क्या हुआ? पता नहीं, मैंने ड्राइवर से बात करवाने को कहा है तो उसने कॉल काट दी। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। पता नहीं यार, लीना जा तो रहा था, उसे फिर से ड्राइवर के साथ आने की क्या जरूरत थी? वो फ्रेंड के साथ है, अकेले थोड़ी है, आ जाएगी वापस। अब हर बात को इतना बड़ा मसला नहीं बनाना चाहिए। हद है यार, परवाह करता हूँ तुम लोगों की। ज्यादा परवाह भी अच्छी नहीं होती। एक तो तुम लड़कियां ना किसी हाल में खुश नहीं रहती। और सुनो, जो तमीज से बात किया करो, तुम्हारा होने वाला मजाजी खुदा हूं मैं। अभी से इतना रो, बाद में पता नहीं आप क्या करेंगे। बाद में थोड़ा सिर्फ मोहब्बत करूंगा मैं। अच्छा